अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग मैट्रिसेस के एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट की थी जिसमें हमने क्रेमर्स रूल पढ़ा। अब उसी सिलसिले का ये दूसरा पार्ट है जिसमें आज हम मैट्रिक्स रूल पढ़ेंगे। टाइम जाए के बगैर अब अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोग को ये बता दो, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से आ जाए। तो चलो अभी टाइम जाए के बगैर अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमारा एक्सरसाइज 7.5 है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है जिसे हम सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस रूल से। मैट्रिसेस रूल का तरीका क्या है? सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स जिसके वेरिएबल हैं 2x का 5 और 4 और -2, उसके बाद सेकेंड वेरिएबल हमारे पास है एक्स वाई, इसे हम कैपिटल एक्स सपोज कर लेंगे, और इसी तरह तीसरा जो है हम बी सपोज कर लेंगे जो कि है 9, 1। यानी हमने सबसे पहले ये लेट करना है, सपोजिशन करना है जो वेरिएबल के डिटरमिनेंट है जिसके कोफिशेंट से वेरिएबल के कोफिशेंट के डिटरमिनेंट, इसको हमने ए सपोज करना है, वेरिएबल को एक्स सपोज करना है, और जो इक्वल से उस साइड पे हम इसे बी सपोज कर लेंगे। इसके लिए फार्मूला क्या है? ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, और हमें एक्स वाई मालूम करना है, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? ए इनवर्स। जैसे हमें पता है कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइन ए अपॉन मोड ए, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। सबसे पहले हमने मोड ए निकाल लेते हैं जिसे हम डिटरमिनेंट ए भी कहते हैं। तो किस तरह निकालते हैं? 2, 5, 4, -2 डायगोनली मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2, 2 जा 4, ये -4, फिर फार्मूले का माइनस, 5, 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस यह हो गया 24, ये आपके पास मोड ए आ गया। अब हमने एडजॉइन मालूम करना है ए का, तो एडजॉइन ए जैसे आपको पता है ये दो अपनी जगह चेंज कर देते हैं और इनके सिर्फ साइंस, तो प्लस में है तो साइन चेंज हो गए माइनस में आ गए। अब यही वैल्यू मोड डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 किस तरह हो जाएंगे, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट की वैल्यू होगी -2, -5, -4, 2 और ए डिवाइड बाय मोड ए, ये -24। अब क्या हो रहा है यहाँ पे -24 अंदर डिवाइड हो जाएगा, तो -2 अपॉन -24, -5 अपॉन -24 और -4 अपॉन -24 और 2 अपॉन -24, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 1 जा 2, 2 12 जा 24 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 5 अपॉन 24, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 और ये 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है, तो इक्वेशन 1 बिकम्स एक्स की जगह एक्स वाई इक्वल टू ए इनवर्स की जगह ये जो हमने अभी निकाली है वैल्यू 1 अपॉन 12, 1 अपॉन 6, फिर 5 अपॉन 24 और -1 अपॉन 12, और बी की जगह बी की वैल्यू 9। अब ये आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई, इसमें मैंने कहा था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड रो फिर फर्स्ट कॉलम, अगर यहाँ पर सेकेंड कॉलम होता है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे 1 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 9, फिर प्लस 5 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 1, इसी तरह 1 अपॉन 6
मल्टीप्लाई 9 प्लस माइनस, देखो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गए, 1 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ गए 3 4 12, 3 3 9, तो 3 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 24, और ये 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9, 1 upon 12. अब ऊपर हम ले लेंगे एलसीएम 24, 4 के टेबल 24 6 पे आता है, और 6 3 18, और ये 5, उसके एलसीएम 12 2 के टेबल 6 पे आता है, और 6 3 18, आप ध्यान देखें 18 और प्लस 5 23 अपॉन 24, और 18 से 1 माइनस करो 17 अपॉन 12, ये आ गया आपके पास एक्स वाई, और एक्स इक्वल टू हमारे पास हो गया 23 अपॉन 24, और वाई इज इक्वल टू 17 अपॉन 12, तो आपका सॉल्यूशन सेट आ गया है 23 अपॉन 24 17 अपॉन 12। तो यह आपका क्वेश्चन था मैट्रिक्स रूल पे, तो आप सब क्वेश्चन इसी तरह कर सकते हो मैट्रिक्स रूल से, कि सबसे पहले आप वेरिएबल वाले के जो कोफिशिएंट है उनको डिटरमिनेंट ऐड, फिर वेरिएबल को जो है वो एक्स, और फिर इसके आगे वाले जो है इक्वल्स है उसको बी, फिर हमारे पास फार्मूला एक्स इक्वल टू बी है, जिससे फिर हम इन्वर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास मेथड है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना मत भूलो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।